अभियान चला रखा है। और जब एक कन्या जन्म लेती है तो उसके बाद से भी उसकी ज़रूरतें हैं बहुत सारी, उसकी भी और उसकी माँ की भी, क्योंकि माँ बच्चे को जन्म दे, अस्पताल में दे, उसका प्रॉपर इम्यूनाइजेशन हो, टीकाकरण हो, उसमें अगर कोई कमी है उसके शरीर में, कोई कुपोषण का शिकार है, तो उसको प्रॉपर डाइट मिले, उसको न्यूट्रिशन मिले, उसको जो दवाइयों की ज़रूरत है वो सब मिले, और जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको टीकाकरण के जरिए उसको एक स्वस्थ जीवन का आधार तैयार हो। के सामने कुछ अपने जो हम कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं उसके विषय में 10-15 मिनट तक अपने विचार रखूंगा। ये आज पूरा प्रोग्राम पूरे दिन डिस्कस होने वाला है, तो ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है ये कंप्लीट नहीं होगी और वो लास्ट में जाते जाते जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि हम पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। प्रेजेंटेशन आउटलाइन अगर आप देखें तो हम इसको बैकग्राउंड वेयर डू वी स्टैंड, आज हमारे इंडिकेटर्स हरियाणा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित क्या हैं, हमने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, क्या माइलस्टोन अचीव किए हैं और आगे हम क्या करने वाले हैं, ये हम अभी देखने वाले हैं। आप सबको पता है कि हरियाणा के अंदर सेक्स रेशियो अगर हम सेंसस 2011 की बात करें तो 834 था। सेक्स रेशियो एट बर्थ फॉर हरियाणा जो SRS अगर हम 2012 की बात करें तो 857 था, जो कि हमको सबसे नीचे के पायदान पर यहाँ रखता है। लिटरेसी अगर फीमेल लिटरेसी की अगर हम बात करें तो 67% हमारी फीमेल लिटरेसी है जबकि मेल लिटरेसी 85% है, तो बहुत सारा गैप लड़कियों की और लड़कों की शिक्षा में हमारे यहाँ हरियाणा में है। एक तिहाई से ज़्यादा लड़कियाँ जो कि 5 साल से कम हैं वो अंडर वेट हैं और 2/3 एनीमिक हैं, यानी उनमें खून की मात्रा हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जैसे आपको पता ही है 22 जनवरी को पानीपत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, एक स्वप्न की तरह, और उसको संकल्प के रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिया है और माननीय WCD मिनिस्टर के तत्वाधान में ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। तो इसके सर्वाइवल, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन और एम्पावरमेंट, ये इसके कंपोनेंट हैं। जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वेयर डू वी स्टैंड, हम कहाँ, आज की डेट में हम कहाँ खड़े हैं। तो देखिए, हमारी सेक्स रेशियो एट बर्थ अब भी 871 है 2014 की अगर हम बात करें तो, यानी 33,000 के करीब लड़कियां आज भी हमारी मिसिंग हैं जिनको गर्भ में ही मार दिया जा रहा है। अगर हम बात करें कि कितने जेंडर क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ हैं तो 95 डिस्ट्रिक्ट जिनमें ये लॉन्च हुआ है, 100 में लॉन्च हुआ है, 5 में सेक्स रेशियो अच्छी है, जो जिन 95 में कम है उनमें से 12 अपने हरियाणा में पड़ते हैं। अगर हम बात करें ANC चेकअप की तो 3 में से 1 महिला को ही ANC चेकअप मिल पाता है। अगर हम बात करें कि कितने बच्चों की मृत्यु फीमेल की पिछली बार हुई तो 12,328 की मृत्यु पिछली बार हरियाणा के अंदर हुई है और 7,000 स्टिल बर्थ हमारे हरियाणा के अंदर पिछले साल हुए हैं। ड्रॉपआउट रेट अगर हम देखें तो 8वीं से 9वीं क्लास में लगभग 15,596 बच्चियां ड्रॉपआउट हमारी 8वीं से 9वीं क्लास में हुई हैं। अगर हम बात करें कि हमारी कितनी लड़कियां 10 साल तक पूरे लगातार स्कूल में जाती हैं तो देखेंगे कि 3 में से 1 ही लड़की हमारी पूरे 10 साल की एजुकेशन पूरी कर रही है। लास्ट नंबर ऑफ गर्ल्स डिलीवर बिफोर द एज ऑफ 18 एंड लगभग 724 के करीब हमारी मैटरनल डेथ्स हुई हैं। ये हमारे मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स हैं, इसमें बहुत सारे लिखे हुए हैं, शायद छोटा फॉन्ट आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूँ। MMR यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये अगर हमारे हम देखें तो कुछ जगह तो बहुत ही स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर हम हेल्थ में बच्चियों को बचाना चाहते हैं तो हमको ये इंडिकेटर्स भी सारे अपने इम्प्रूव करने पड़ेंगे। तो ये पूरी टेबल ऐसे बताया है हमने कि हमारी आज की स्थिति क्या है, ये सब डाटा HIMS का है जो फील्ड से ऊपर की ओर जाता है। तो आप देखेंगे कि कुछ जिलों में MMR बहुत ज़्यादा है और कुछ जिलों में IMR बहुत ज़्यादा है, तो इनको जैसे ही हम कम करेंगे तो ये बेटी बचाओ का एक कंपोनेंट होगा। ये ट्रेंड ऑफ सेक्स रेशियो एट बर्थ है, एक होती है चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से 6, एक होती है सेक्स रेशियो एट बर्थ,
तो सेक्स रेशियो है, बर्थ की अगर हम बात करें वो बढ़ेगी तो धीरे धीरे चाइल्ड सेक्स रेशियो अपने आप भविष्य में इम्प्रूव करेगी। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें 2011, 2012, 2013, 2014 का डाटा दिया हुआ है। 2014 दिसंबर का जो डाटा है वो बेस डाटा है, उस जो हमारे मॉनिटरेबल टारगेट्स हैं उसमें हमको हर साल 10 पॉइंट वृद्धि करने का टारगेट ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डॉक्यूमेंट भेजा उसमें दिया है। तो आज के दिन कुछ जिलों में हमारी स्थिति सुधर रही है, उसमें जो ग्रीन में आपको दिखाया है उसमें स्थिति बहुत खराब है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। क्योंकि अगर एंटीनेटल कवरेज अच्छी होगी तो जो मैंने दिखाया कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा, डिलीवरी के बाद हमको कितनी महिलाएं हम 48 आवर्स तक अपने अस्पतालों में रखते हैं, हमने ये देखने में आया है कि जितनी भी ये शिशु और मातृ दर है, मृत्यु दर है, ये 48 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए अगर हम इसको स्टे को वहीं हॉस्पिटल में कर देते हैं तो पूरा सुपरविजन रहेगा और ये कम हो जाएगी। इसी तरह से जब उसको घर भेज देते हैं तो आशा और ANM इनको घर पे जाकर के विजिट करनी होती है। फुल्ली इम्यूनाइजेशन स्टेटस, इम्यूनाइजेशन इज द चीपेस्ट टूल टू प्रिवेंट डेथ। तो अगर हम इस तरह से इसको देखें तो जितने भी हमारे ये जिले हैं इनमें से 3 जिलों को रेड में दिखाया गया है, यानी वहाँ अब भी इम्यूनाइजेशन की कवरेज कम है। मिशन इंद्रधनुष इसी के तहत आपने देखा होगा हेल्थ डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है, और इसी तर्ज पे जैसे जैसे इम्यूनाइजेशन हमारी बढ़ेगी और बढ़ भी रही है मिशन इंद्रधनुष के बाद, तो हमारे ज़्यादा बच्चे इम्यूनाइज होंगे और हम ज़्यादा बच्चे को बचा पाएंगे। इसी तरह से जो माता का दूध है बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे यहाँ बहुत कम संख्या में बच्चों को पूरे 6 महीने के लिए माता का दूध आज के दिन पिलाया जा रहा है, तो इस संख्या को हमको बढ़ाने की आवश्यकता है। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रेवलेंस ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूट्रिशन हम 2 जगह देते हैं, आंगनवाड़ी में भी देते हैं और स्कूल्स में भी देते हैं मिड डे मील की तरह, लेकिन ये जो 5 साल का कंपोनेंट है ये आंगनवाड़ी में मिलता है। और इसमें अगर हम देखेंगे NIM का सर्वे और यूटिलाइजेशन ऑफ ICDS सर्विसेज की अगर हम बात करें, तो NIM का सर्वे ये कहता है कि हमारे यहाँ लगभग 1/3 बच्चे अंडर वेट हैं 5 साल से नीचे, यानी अगर एक गली में आपको 3 बच्चे दिख रहे हैं और उनमें से एक आपको हमेशा जितना उसका वेट होना चाहिए उससे कम वेट का मिलेगा, तो ये अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। इसी तरह से यूटिलाइजेशन ऑफ ICDS सर्विसेज की भी अगर हम बात करें, PGMR का मेडिकल कॉलेज का डाटा है तो वो भी ये दर्शाता है कि यहाँ जो हमारी स्थिति है वो बहुत, तो 1/3 सर्विसेज हैं हम दे पा रहे हैं। अगली स्लाइड में अगर आप देखेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शनल टॉयलेट फॉर गर्ल्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स, यानी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर कितने टॉयलेट हैं, ये UDICE का डाटा है। अभी लेटेस्ट जैसे हम ट्रेवल कर रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि लगभग 100% हरियाणा के अंदर इसकी कवरेज हो गई है, लेकिन टॉयलेट लड़कियों की पढ़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये हमको जानना चाहिए और इसीलिए इसके ऊपर इतना थर्स्ट है। क्योंकि एडोलेसेंट गर्ल्स को अगर टॉयलेट की सुविधा नहीं मिलेगी तो उनके ड्रॉपआउट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए गांव में एक फंक्शनल टॉयलेट जहां भी लड़कियां पढ़ती हों वहां जरूर हो, ऐसा जोर इस अभियान के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत रहता है। और हरियाणा में ये अवेलेबिलिटी UDICE के अनुसार है, लेकिन ऑन ग्राउंड लगभग 100% हरियाणा ने इसको अचीव कर लिया है। ये मैं जैसे पहले भी बता चुका कि 5वीं से 6वीं क्लास तक हमारा कितना ड्रॉप आउट है, तो ये ड्रॉप आउट हो सकता है कि ये लड़कियां गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल में चली गई हैं, तो प्राइवेट स्कूल में जो ये लड़कियां गई हैं उनका ध्यान रखना हमको चाहिए। यानी अगर हमारे स्कूल में से 10 लड़कियां कहीं हमारे स्कूल में नहीं आ रही तो हमको पता होना चाहिए कि वो कहां गई हैं, वो प्राइवेट स्कूल में गई हैं या कहीं ड्रॉप आउट तो नहीं हो गया। तो इसीलिए ये स्लाइड्स आप दो आपके लिए कि हमको ड्रॉप आउट चेक करने के लिए पूरे के पूरे एक अभियान की जरूरत है। अब हमने कौन कौन से इनिशिएटिव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लिए हैं, तो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस DCs के साथ ऑलरेडी हो चुकी थी, क्योंकि जो गाइडलाइंस आई हैं वो DCs के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से आई हैं, तो DCs को डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स बनानी थी, वो सब जिलों में बन गई है, अभी आगे हम बताने वाले हैं, ब्लॉक टास्क फोर्स और फिर विलेज टास्क फोर्स, ताकि एक विलेज तक ये प्रोग्राम पहुँच सके, इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी। इंटर डिपार्टमेंटल सीरीज स्टेट लेवल पे मीटिंग्स हुई हैं कन्वर्जेंस के लिए, सभी डिपार्टमेंट्स में लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए नोडल ऑफिसर्स बना दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट फील्ड विजिट्स एंड रिव्यू मीटिंग की आज की सिचुएशन क्या है और उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट्स में फील्ड विजिट्स चालू हो गई हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट कवर किए जा चुके हैं।
डेवलपमेंट ऑफ डेडिकेटेड वेबसाइट ये प्रोग्रेस में है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ हरियाणा में बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के निगरानी में चल रहा है और कितने सारे कार्यक्रम हर जगह हरियाणा के अंदर जगह जगह कार्यक्रम इस अभियान के तहत हो रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें थी। अभी तक हमने माइलस्टोन क्या अचीव किए हैं कि 10 डिस्ट्रिक्ट्स एक महीने के अंदर कवर कर दिए गए हैं, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, हिसार और भिवानी, बाकी सब जिले भी आगे हम कवर करने वाले हैं। और आप देखेंगे कि जब हम जाते हैं तो बहुत अच्छी फाइंडिंग्स कुछ हमको फील्ड में मिलती हैं। आप ये पहली साइड देखेंगे, मैं मैडम का ध्यान चाहूँगा कि इतनी अच्छी आंगनवाड़ी एक बनाई, काम भी बहुत जगह हमारे आंगनवाड़ीज में आप देखेंगे तो हो रहा है। अगला हॉस्पिटल अगर आप देखें तो ऐसे हॉस्पिटल प्राइवेट सेटअप में भी मिलने बड़े मुश्किल होते हैं। ये मेवात का हॉस्पिटल है जहाँ ये SNCU है और ये फुल था, जिस दिन हम गए फुल था और ये फुल ही रहता है। स्कूल के हम देखें तो हम स्कूल में पूरी अटेंडेंस बच्चियों की रहती है, तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव फाइंडिंग्स बहुत सारे के सारे हरियाणा से हमको मिल रही हैं। कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर हम उन पर ध्यान दें तो उनको भी और बेहतर किया जा सकता है। जैसे एक सब सेंटर अबंडेंट सा लग रहा है तो अगर इसमें से घास वास कटवा दी जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक जस्ट पाइप लगाने से टॉयलेट चालू हो जाएगा और हम अगर स्टोरेज अपनी ठीक प्रकार से कर दें तो फील्ड से कुछ ऐसी छोटी छोटी फीडबैक हम लेके आते हैं और वो देते हैं, तो अगर इन पर ध्यान दिया जाए तो ज़रूर कुछ ना कुछ समाधान होगा और हम बहुत अच्छे रास्ते पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत चलेंगे। डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स 12 के 12 जिलों में जो जेंडर जिन्हें सेक्स रेशियो कम है ये जिले दिए हुए हैं और उसमें मैंने टारगेट भी बताया है कि HIMS का जो 2014-15 का डाटा था उसमें 10 इंक्रीज हमको करना है और ये 12 जिले हैं जिनके लिए टारगेट माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं। अभी